दोस्तों ये है बैंक ऑफ बड़ौदा का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, कैसे इसको फिलअप करते हैं इस वीडियो में बात करने वाले हैं। देखिए सर, दोस्तों सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है ब्रांच, तो आपको यहाँ पर अपनी ब्रांच का नेम लिखना होगा। जिस ब्रांच में आप अकाउंट खुलवा रहे हो उस ब्रांच का नेम यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा स्टेप है यहाँ पर डेट का, तो आपको डेट डाल देना है, जब भी आप अकाउंट खुलवाओ वो डेट आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर अकाउंट नंबर और ये जो है इसको कॉलम को छोड़ देना है। और यहाँ पे आते हैं टाइप ऑफ अकाउंट, तो आपको यहाँ पर टाइप ऑफ अकाउंट, आप सेविंग अकाउंट खुलवा रहे हो या फिर करंट अकाउंट, जो भी अकाउंट खुलवा रहे हो उस पर आपको टिक करना होगा। जैसे कि हम सेविंग अकाउंट खुलवा रहे हैं इसलिए हमने सेविंग अकाउंट पर टिक किया है। उसके बाद यहाँ पर आपको फुल नेम इंटर करना है, आप जो भी अगर नेम के आगे लगवाना चाहते हैं, प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर मिस्टर लिखा है MR करके, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट नेम लिख देना है, उसके बाद एक बॉक्स को छोड़ के आपको लास्ट नेम यानी कि सरनेम लिख देना है, जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पर गौरव दवे, ठीक है। इस तरीके से आपको नेम लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर आते हैं डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। तो आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिख देना है। यहाँ पर तीन कॉलम आपको देखने को मिलते हैं नेम में, पहला में अगर आप सिंगल अकाउंट खुलवा रहे हो तो आपको आपका ही नेम आ जाएगा, अगर आप जॉइंट अकाउंट खुलवा रहे हो तो दूसरे का नेम यहाँ पर इस बॉक्स में आ जाएगा और तीसरे का इसमें आ जाएगा। तो हम यहाँ पर सिंगल अकाउंट खुलवा रहे हैं, तो यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ लिख देना है। देखिए यहाँ पर इस बॉक्स में इस तरीके से 0603 ऐसे करके आपको लिख देना है, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ अभी, देखिए यहाँ, ठीक है। अगर जॉइंट अकाउंट है दूसरे वाले की यहाँ पे आ जाएगी, उस तीसरे की यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद देखिए यहाँ पर पैन कार्ड का नंबर लिखना है आपको, इस बॉक्स में पैन कार्ड का नंबर आपको लिख देना है, ठीक है। उसके बाद कस्टमर आईडी आपको नहीं लिखना है, क्योंकि हम नया अकाउंट खोल रहे हैं इसलिए ज़रूरत इसकी नहीं। उसके बाद यहाँ पर आते हैं ऑक्यूपेशन पर, तो यहाँ पर आपको क्या ऑक्यूपेशन लिख देना है, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो नीचे जो भी आप हो। तो हम यहाँ पर स्टूडेंट पर हमने टिक किया और यहाँ पर हमने स्टूडेंट लिख दिया, ठीक है। सेकंड वालों के लिए यहाँ आ जाएगा और थर्ड वालों के लिए यहाँ, अगर जॉइंट अकाउंट है तो। उसके बाद स्टेटस में हमने जनरल लिख दिया है, नीचे स्टेटस हमने यहाँ पर अदर जनरल पे सेलेक्ट किया, इसलिए यहाँ पर स्टेटस में हमने जनरल लिख दिया है। उसके बाद एनुअल इनकम आप यहाँ पर लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर रिलेशन विद फर्स्ट एप्लीकेंट, तो यहाँ पर हमने सेल्फ लिखा है क्योंकि हम खुद ही मतलब इससे अकाउंट खुलवा रहे हैं, ठीक। उसके बाद नेशनलिटी में हमने इंडियन लिख दिया है। उसके बाद फादर नेम आपको यहाँ पर लिख देना है, अगर किसी लेडीज़ का अकाउंट खुलवा रहे तो यहाँ पर हस्बैंड का नेम आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर, तो यहाँ पर ऑप्शन है प्लीज़ चूज फ्रॉम द फॉलोइंग इन स्टाफ। तो देखिए ये माइनर वालों के लिए है, अगर 18 से कम साल वालों के अकाउंट खुलवा रहे हैं तो आप उसको यहाँ पर गार्जियन का नेम लिखना है और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ और गार्जियन से रिलेशन आपको लिखना होगा और गार्जियन की यहाँ पर सिग्नेचर वगैरह ये यहाँ पर आएगी, ठीक है, अगर आप माइनर है। उसके बाद यहाँ पर ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन यानी कि आप इस अकाउंट को खुद कौन मेंटेन करेगा, तो यहाँ पर हमने सेल्फ पर टिक किया क्योंकि हम खुद ही इसको मेंटेन करने वाले हैं। अगर जॉइंट मेंटेन करना चाहते हैं तो यहाँ पर जॉइंट पर भी आप राइट कर सकते हो। उसके बाद नीचे फैसिलिटी रिक्वायर्ड प्लीज मार्क, अगर आप चेकबुक चाहते हो अपने अकाउंट के तो आप इस चेकबुक पर आपको राइट करना होगा, ठीक है। जो भी आप सर्विसेज चाहते हो उसको आपको टिक करना होगा फैसिलिटी, तो हम चेकबुक चाहते हैं इसलिए हमने यहाँ पर टिक किया है। उसके बाद यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट थ्रू, अगर आप पासबुक चाहते हो तो पासबुक पर आपको यहाँ पर टिक करना होगा। उसके बाद अगर आप स्टेटमेंट ईमेल पर चाहते हो तो ईमेल पर टिक करेंगे, और स्टेटमेंट अगर आप मंथली चाहते हैं हर महीने तो मंथली पर टिक करेंगे, या क्वार्टरली पर सेट करेंगे तो क्वार्टरली मंथली स्टेटमेंट आपके ईमेल पर आएगा, और पोस्ट पर टिक कर देंगे तो पोस्ट से आपको ईमेल आएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ईमेल पर हर महीने जो है स्टेटमेंट पर सेट कर दिया। उसके बाद देखिए यहाँ पर इंटरनेट बैंकिंग, अगर आप बड़ौदा कनेक्ट इंटरनेट बैंकिंग का यूज़ करना चाहते हैं फैसिलिटी को, यहाँ पर टिक करेंगे। उसके बाद अगर ATM कार्ड चाहते हैं आप डेबिट कार्ड, तो यहाँ पर आप टिक कर देंगे। फ़ोन बैंकिंग अगर चाहते हैं टिक करेंगे, नहीं चाहते हैं तो इस पर नहीं टिक करेंगे। उसके बाद जो भी आप डेबिट कार्ड पर नाम प्रिंट करवाना चाहते हैं वो नेम आप यहाँ पर फर्स्ट टेम्प्लिकेट में लिख सकते हो। देखिए यहाँ पर हमने लिखा है, एक बॉक्स छोड़ के आपको सरनेम लिख देना है। अगर आप जॉइंट अकाउंट वालों के लिए पैन कार्ड, ये अगर आप जॉइंट अकाउंट वालों के लिए भी डेबिट कार्ड चाहते हैं तो सेकंड एप्लीकेंट के लिए यहाँ पर नेम आ जाएगा और थर्ड के लिए यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर नेम हमने लिख दिया। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, जो नेक्स्ट पेज है सेकंड पेज, यहाँ पर देखिए आपको एड्रेस लिखना है, यहाँ पर फर्स्ट एप्लीकेंट के लिए लिखना है या सेकंड एप्लीकेंट थर्ड एप्लीकेंट, जॉइंट अकाउंट है तो ये आपको ये फिल करना होगा। तो यहाँ पर हम फर्स्ट एप्लीकेंट के लिए एड्रेस लिख देते हैं, यहाँ पर फ्लैट नंबर आ जाएगा, उसके बाद स्ट्रीट रोड या रोड एरिया लोकेलिटी, उसके बाद सिटी डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, और स्टेट एंड कंट्री, तो यहाँ पर स्टेट का नेम, उसके बाद पिन कोड और टैक्स फोन नंबर भी आप लिख सकते हो, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी लिख के लिख देना। उसके बाद नीचे कम्युनिकेशन एड्रेस इफ डिफरेंट फ्रॉम, अगर दोस्तों आपका रेसिडेंट एड्रेस से कम्युनिकेशन एड्रेस डिफरेंट है, यानी कि ये एड्रेस और कम्युनिकेटर एड्रेस आपका अलग है, तभी आपको फिल करना है। अगर ये वाला और ये वाला दोनों सेम है तो इसको फिल नहीं करना है। उसके बाद ये परमानेंट एड्रेस इन केस ऑफ NRI मतलब ये उन लोगों के लिए फिल करना है जो इंडिया से बाहर रहते हैं, तो इसलिए इंडिया इसको आपको फिल नहीं करना है। चलिए अब यहाँ पर चलते हैं अदर इन्फॉर्मेशन पे, तो यहाँ पर एजुकेशन का ऑप्शन है, ठीक है। नॉन मेट्रिक जो भी आपने एजुकेशन की है वो आप यहाँ पर टिक कर दीजिए, यहाँ पर ग्रेजुएट पर हमने टिक किया है। उसके बाद मंथली इनकम, तो यहाँ पर हमने अप टू 5000 किया है, 5000,
ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ पर है एक्सपेक्टेड एनुअल टर्नओवर। अगर आप किसी एम्प्लॉय है मतलब या फिर सैलरीड है तो आपको यहाँ पर टर्नओवर लिखना होगा, और यहाँ पर आपको नीचे सेलेक्ट करना होगा जो भी आप बिजनेसमैन जो भी वगैरह हो, यहाँ पर पब्लिक एमएनस जो भी है आप वो सेलेक्ट करना होगा। और यहाँ पर आपको प्रोफेशनल भी यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा, अगर आप कुछ है यहाँ पर लॉयर इंजीनियर डॉक्टर तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद अगर आप कोई बिजनेस करते हो तो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग और ये भी ऑप्शन है, यहाँ पर सर्विस प्रोवाइडर जो भी हो आप यहाँ पर टिक आपको करना होगा, और ऊपर यहाँ पर आपको एनुअल इनकम और टर्नओवर आपको यहाँ पर लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर डिक्लेरेशन का फॉर्म, तो यहाँ पर फर्स्ट पे हमने टिक किया है वी डिक्लेयर दैट वी डोंट नॉट एंजॉय एनी क्रेडिट फैसिलिटी, मतलब अगर आप किसी दूसरी बैंक से क्रेडिट फैसिलिटी यानी कि क्रेडिट फिर लोन या फिर क्रेडिट फैसिलिटी को एंजॉय कर रहे हो यानी कि यूज कर रहे हो तो आपको नीचे सेकंड का सेलेक्ट करना है। अगर आप किसी भी बैंक क्रेडिट फैसिलिटी को यूज नहीं कर रहे हो तो ऊपर वाला टिक करना है, अगर आप यूज कर रहे हो तो नीचे वाला टिक करके उस बैंक का और ब्रांच का नेम यहाँ पर लिखना है। उसके बाद उसका प्लेस लोकेशन और उसके बाद टाइप ऑफ अकाउंट सेविंग अकाउंट जो भी है करंट अकाउंट अगर यूज कर रहे हो तो उसके बाद अमाउंट और अकाउंट नंबर यहाँ आ जाएगा, तो हम यूज नहीं कर रहे हैं इसलिए हमने पहले वाला टिक किया है। सो यहाँ पर नीचे आते हैं, यहाँ पर आपको सिग्नेचर कर देना है, ठीक है। यहाँ पर सिग्नेचर कर दीजिए फर्स्ट एप्लीकेंट के लिए, अगर जॉइंट अकाउंट के लिए तो उनके यहाँ पर सिग्नेचर आ जाएगी। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे हम और आपको बताते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हम आ चुके हैं तीसरे नंबर वाले पेज पे, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको उनकी इंफॉर्मेशन फिल करनी होगी जिसका पहले से ही बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 6 मंथ यानी कि कम से कम 6 मंथ 6 महीने पुराना अकाउंट जिसका बैंक ऑफ बड़ौदा में है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर देनी होगी। यहाँ पर उनका नेम लिखना होगा, एड्रेस लिखना होगा, किसी का भी आप दे सकते हो फ्रेंड या फिर रिलेटिव किसी का भी आप दे सकते हो। यहाँ पर 6 महीने पुराना उनका अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में होना चाहिए जब जहाँ पर भी आप अकाउंट खुलवा रहे हो वहाँ पर। यहाँ पर ईमेल फ़ोन नंबर, उसके बाद यहाँ पर उनका अकाउंट नंबर और डेट ऑफ जब आप उस उन्होंने अकाउंट खोला था उनकी डेट यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद कस्टमर आईडी आ जाएगा, ब्रांच नेम आ जाएगा, कौन सा अकाउंट है सेविंग जो भी है तो यहाँ पर हमने एसबी किया है मतलब सेविंग। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपका नेम आ जाएगा क्योंकि वो वेरीफाई कर रहे हैं आपको। उसके बाद यहाँ पर कितने साल से वो जानते हैं आपको, तो यहाँ पर देखिए हम लिख देते हैं 10। उसके बाद यहाँ पर ईयर पे सेलेक्ट कर देते हैं और डेट आ जाएगी जैसे कि आज अगर आप अकाउंट खोल रहे हो तो आज की डेट। उसके बाद यहाँ पर जो भी आपको ये मतलब सर्टिफाई कर रहा है जिनके आप डिटेल फिल किए आपने उनके यहाँ पर एक सिग्नेचर आ जाएगी। उसके बाद चलिए यहाँ पर आपको नेम लिख देना है अपना, उसके बाद यहाँ पर सिग्नेचर आ जाएगी फर्स्ट एप्लीकेंट के लिए और सेकंड एप्लीकेंट के लिए नीचे बॉक्स दिए हैं अगर जॉइंट अकाउंट है तो उनका नेम और यहाँ पर सिग्नेचर आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आते हैं हम, तो यहाँ पर आपको अपना नेम लिख देना है वी नॉमिनेशन फॉर्म, उसके बाद यहाँ पर ब्रांच का नेम लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको नॉमिनेशन फॉर्म फिल करना है, तो यहाँ पर नेचर ऑफ डिपॉजिट एसबी लिख दिया हमने क्योंकि सेविंग अकाउंट है। उसके बाद जिसको आपको नॉमिनी बनाना है उसका नॉमिनी का नेम यहाँ पर आ जाएगा, नॉमिनी का एड्रेस, नॉमिनी का रिलेशन जो भी है फादर हमने लिखा, एज आ जाएगी और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ तभी आएगी जब अकाउंट माइनर का खुलवाए तभी आ जाए। नारा है नेम ऑफ द नॉमिनी इन द पासबुक, अगर आप नॉमिनी का नेम पासबुक और स्टेटमेंट पे चाहते हैं तो आपको यहाँ पर यस पर टिक करना है। अगर आप नहीं चाहते स्टेटमेंट और पासबुक पे नॉमिनी का नेम तो आपको यहाँ पर नो पर टिक करना है। यहाँ पर डेट आ जाएगी, उसके बाद प्लेस आ जाएगी, ब्रांच का नेम यहाँ पर आ जाएगा प्लेस में। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब देखिए आ चुके हम यहाँ पर फोर्थ नंबर वाले पेज पे, तो यहाँ पर देखिए ये बोल रहा है फोटो आइडेंटिफाई यानी कि आप टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पर आप कौन सा डॉक्यूमेंट दे रहे हो उसका नेम यहाँ पर आ जाएगा, वोटर आईडी हम दे रहे हैं, उसके बाद डॉक्यूमेंट का नंबर आ जाएगा जो भी नंबर है और जिसने उसको इशू किया उसका यहाँ पर नेम आ जाएगा। हमने ECI लिखा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वोटर आईडी जो भी जारी करता है उसका नेम, डेट ऑफ इशू जब जारी किया उसकी डेट और यहाँ पर प्लेस आ जाएगा, ठीक है। वैलिड अप टू अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस दे रहे हो तो वैलिड अप टू उसमें डेट लिखी हुई होती है। उसके बाद आप एड्रेस के लिए यहाँ पर सेकंड, अगर सेकंड एप्लीकेंट है यानी कि जॉइंट अकाउंट वालों के लिए यहाँ आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर है एड्रेस प्रूफ आइडेंटिफाई, तो यहाँ पर एड्रेस प्रूफ के लिए हम आधार कार्ड दे रहे हैं, यहाँ पर आधार कार्ड लिखा, उसके बाद डॉक्यूमेंट का नंबर आपको यहाँ लिख देना है, ठीक है। उसके बाद इशू अथॉरिटी यानी कौन उसको जिसने जारी किया उसका नेम, डेट ऑफ इशू, प्लेस ऑफ इशू, उसके बाद वैलिड अप टू इसमें नहीं आया क्योंकि आधार कार्ड में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता है वैलिड का। अब देखिए यहाँ पर नीचे है फॉर्म 60, ये फॉर्म 60 आपको तभी भरना है जब आपके पास पैन कार्ड नहीं है, अगर आपके पास पैन कार्ड है तो इसको फिल नहीं करना। तो यहाँ पर नीचे आते हैं, यहाँ पर फॉर ऑफिस यूज ये आपको फिल नहीं करना, ये ऑफिस वाले फिल कर लेंगे इसको। इस तरीके से आप बैंक ऑफ बड़ौदा का फॉर्म फिल कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, उसका मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा। सो सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जाइए।